बच्चियों और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखते हुए कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिंगरौली में महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार की आलोचना की। सिंगरौली में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कृष्णा सिंह परिहार व उपाध्यक्ष अनामिका सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाल गया, जिसमें सिंगरौली शहर कांग्रेस अरविंद सिंह चंदेल, ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र द्विवेदी सहित तमाम कांग्रेस नेता शामिल हुए। कैंडल मार्च में शामिल कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, भाजपा राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, अब कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान चलाएगी। प्रदेश में महिलाओं के हो रहे अत्याचार के विरोध में, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का आदेश हुआ, हमारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का, उसके बच्चियों के सम्मान में, सुरक्षा में आज हम सब रोड पे उतरे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर पूरे प्रदेश में महिला उत्पीड़न को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, नारी के सम्मान को लेकर महिला कांग्रेस मैदान में है, सड़क पर है, कैंडल मार्च लेकर है और ये जताना चाहती है इस भूमि भरी सरकार को, यदि इसी तरह महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा, बहनों से दुराचार होता रहा, बेटियों से दुराचार होता रहा, तो हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। अब हम आगे आके सड़कों पे उतरेंगे, ये हमारा सांकेतिक है, आगे हम और आक्रामक रूप से उतरेंगे। इस कमेटी के निर्देश पर पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम है, 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का ये हमारा कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम में हमारे 5 अक्टूबर को कांग्रेस का कार्यक्रम था और आज महिला कांग्रेस का कैंडल मार्च है और कल प्रत्येक ब्लॉक में हमारे कन्या पूजन का कार्यक्रम है और उपवास है। 14 तारीख को फिर हम लोगों को पूरे जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ जिले के उनको भी ज्ञापन देना है और ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है महिला सुरक्षा को लेकर। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा असुरक्षित यदि है तो महिलाएं। अखबार का कोई भी पन्ना देखिए, किसी दिन ऐसा नहीं है कि 4-6 घटनाएं इस तरह की न होती और उनमें अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के शामिल हैं। ये दुर्भाग्य की बात है प्रदेश के लिए, हम सब इसी के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, ये जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।